इस क्लिप में मैं विंडोज डिफाइंडर के बारे में बात करेंगे। तो विंडोज डिफाइंडर जो है वो बिल्ट इन जो विंडोज में रहता है और कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। अगर आपकी कंप्यूटर में कोई डिफॉल्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है तो आपको आप अगर चाहते हैं कि विंडोज डिफाइंडर नहीं चाहिए तो आप इसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं। सो इस ट्यूटोरियल में मैं डीएक्टिवेट के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट जो काम है डीएक्टिवेट करने के लिए, स्टार्ट मेनू में आना है। स्टार्ट मेनू में आने के बाद यहाँ पे सर्च करना है विंडोज सिक्योरिटी। सो यहाँ से विंडोज सिक्योरिटी से आपको वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, इसमें आके रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफ। सो अभी आपका जो प्रोटेक्शन था वो हट गया। सो रियल टाइम प्रोटेक्शन जो है उसे ऑफ करना है। ये थी फर्स्ट। नेक्स्ट डिसेबल करना है रजिस्ट्री में आपका जो डिफेंडर है। सो यहाँ से सर्च मेनू में आना है नेक्स्ट REGEDIT रेजिट। नेक्स्ट यहाँ से REGISTRY रजिस्ट्री से यहाँ से एच की लोकल मशीन, यहाँ से सॉफ्टवेयर से यहाँ से विंडोज डिफेंडर। सो ये पाथ जो आपको दिख रहा है ये पाथ में आना है। नेक्स्ट यहाँ से नाम से यहाँ से ये ऑप्शंस पर क्लिक करना है। सो यहाँ से ए डिजेबल पूरे सेम जो यहाँ पे टाइप हो रहा है उसे आपको टाइप करना है एंड यहाँ से ये करना है नेक्स्ट।